फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस दैट इज एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये इक्वेशंस वी हैव लर्न्ड इन प्रीवियस क्लास। ये ध्यान रखना, ये वर्क फंक्शन है, ये वर्क फंक्शन किसी भी मेटल के लिए कॉन्स्टेंट रहता है, ये कॉन्स्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को इधर लेकर आएंगे और इसको इधर लेकर जाएंगे। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ, हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ये इसको इधर लाया, दैट इज एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो यहां पर क्या है, देखो ये वाई एक्सिस है और ये एम है, ये एक्स है और ये सी है। तो ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ देखिए कैसा होगा, इस तरह का ग्राफ होगा। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव होगा, इधर इधर होगा, ये यही है आपका, दिस इज एच हाँ माइनस एच न्यू नोट, यही है आपका। और ये क्या होगा, यहाँ से कुछ लाइन ऐसा होगा। इसका अगर स्लोप की बात करें, स्लोप क्या होगा इस लाइन का, एच के इक्वल होगा। ये है आपको काइनेटिक एनर्जी एक्सिस है और ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, फ्रीक्वेंसी एक्सिस है। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ ऐसा है। जैसे ये देख रहे हो, इसमें समझने की कोशिश करो, जैसे इसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, फ्रीक्वेंसी पता है ना, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, लाइट का एनर्जी। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एनर्जी भी बढ़ेगा। हाँ, तो जैसे जैसे हम देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, और फिर क्या, ये देखो धीरे धीरे इस पॉइंट पर, देखो इस पॉइंट पर क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जैसे मेटल से जस्ट इलेक्ट्रॉन्स निकला, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे मिलेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी मिलेगा। कोई भी मेटल्स का सर्टेन वर्क फंक्शंस होता है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, मेटल से जस्ट इलेक्ट्रॉन्स निकला, आपने मेटल्स को इतना एनर्जी दिया, इतना एनर्जी मिल गया उसको कि उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल सकता है। और उसके बाद जो भी एनर्जी आपने दिया, यहां तक काइनेटिक एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। यहां पर आपने जो एडिशनल एनर्जी दिया, दैट इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हो, चलो उसका दूसरा ग्राफ। दूसरा ग्राफ है दैट इज स्टॉपिंग वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। इसके लिए भी हम कल एक इक्वेशन सीखे थे, दैट इज एच न्यू दैट इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लोग ई नोट लिखते थे, वी नोट वॉज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब क्या करेंगे, इसको इधर रखेंगे और इसको इधर लेकर चले आते हैं। मतलब ये लिख सकते हैं ईवी नोट इज इक्वल टू एस न्यू माइनस एच न्यू नोट, इसे डिवाइड कर दो पूरे को। तो वी नोट इज इक्वल टू एच वाई ई माइनस एच न्यू नोट बाई ई। ये देखो ये वाई एक्सिस है, ये एम है, एक्स है, और ये पूरा का कांस्टेंट है, इसको सी बोला। तो अभी भी जैसे जो पहला ग्राफ बना था उसी तरह बने, बट स्लोप चेंज हो जाएगा। अभी भी क्या ये वी नोट स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, ये ग्राफ अभी भी इसी तरह का होगा, बट ये जो इंटरसेप्ट है अभी कितना हो जाएगा, माइनस
एस न्यू नोट अपॉन ई है, और ये जो स्लोप है स्लोप चेंज हो जाएगा, दैट विल बी एच अपॉन ई हो जाएगा। आप लोगों को बोर्ड ठीक दिखाई दे रहा है? बोर्ड हाँ सर, हाँ सर, या धुंधला दिखाई दे रहा है? नहीं सर, ठीक है। और आप ठीक है? हाँ सर। पहले अच्छा था या अब अच्छा है? अब अच्छा है, अच्छा है ना? आप पहले वाला था, पहले वाला अच्छा था। हाँ अब ठीक है, ओके ओके, चलो अच्छी बात है। उसके बाद नोट में यहाँ पर एक पॉइंट लिखो, तुम नोट सर वो, हाँ बोलो बोलो, क्या फिर से बना दो? हाँ वो सर ग्राफ एक बार। अच्छा ग्राफ फिर से बना दो। हाँ सर हो गया। हाँ नोट में पॉइंट लिखिए, नोट नोट में पॉइंट लिखिए। लिखिए इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ईच फोटोन कैन, ईच फोटोन कैन इजेक्ट इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, फ्रॉम द मेटल सरफेस। इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ईच फोटोन कैन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ध्यान रखना है, हर एक फोटोन को एक ही इलेक्ट्रॉन निकालने का अधिकार है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं जिसे समझे इसको, जैसे मान लो कि ये मेटल्स है, मेटल्स का वर्क फंक्शन रेटेड भी 3 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट है। अगर यहाँ पर कोई लाइट फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, उस फोटोन का एनर्जी मान लो रेटेड भी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ऐसा नहीं बोलना ये जो फोटोन है एक एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, इस तरह नहीं। एक फोटोन गिर रहा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, और जो रिमेनिंग एनर्जी होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मतलब यहाँ, हाँ यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा उनका जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी कितना, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कभी मत गलती करना कि इससे 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, और रिमेनिंग एनर्जी विल कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसको भी नीचे बना लीजिए। सर हाँ बोलो। सर बोल रहा हूँ कि अगर एक 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन उस पे गिरता एंड उसके बाद और एक 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिरता, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलता? तो कुछ भी नहीं निकलता, नहीं निकलता, समझा? हाँ
नहीं निकलता। हमको एक सिंगल फोटॉन का एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। ऐसा नहीं कि 10 फोटॉन को 10 यहाँ पर ऐसा बोलेगा कि ये वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हम 3 फोटॉन्स गिरा रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा, तो कभी नहीं निकलेगा। समझा? एक फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स निकालने में कैपेबल होगा तभी निकालेगा। बात समझ में आ गया ना? हाँ। उसके बाद हेडिंग लिखे यहां पर वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड फोटो करेंट, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कॉमा फोटो करेंट विथ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। अब यहां पर समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे भाई साहब तो क्या होगा। जब मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं तो इंटेंसिटी कांस्टेंट है। सबसे पहले ये जान लो कि इंटेंसिटी होता क्या है। तो ये लिख लेना इंटेंसिटी एनर्जी इंसिडेंट, ये क्या होता है? एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम पर कितना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, दैट विल बी इंटेंसिटी। जैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझे, अभी बारिश का सीजन है तो बारिश कभी तेज होता है कभी धीमा होता है। तो जब बारिश तेज होता है ना तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बारिश तेज होता है मतलब उसका इंटेंसिटी ज्यादा है। एक गिवेन एरिया में पानी जो गिरता है, बारिश का जो पानी गिरता है ज्यादा गिरता है इसलिए उसका इंटेंसिटी ज्यादा है। अब बारिश जब धीमा होता है तो क्या होता है, एक गिवेन एरिया में पानी कम गिरता है, बारिश का पानी कम गिरता है इसलिए उसका बोलते हैं इंटेंसिटी कम है। अभी यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देख रहा हूं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा? काइनेटिक सर एरिया पर यूनिट क्या लिखें सर? एरिया पर यूनिट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। यहां पर हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं, इंटेंसिटी। अब यहां पर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ये जैसे मेटल्स है, इस मेटल्स का वर्क फंक्शन है लेट इट बी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस पर हम क्या कर रहे हैं कि फोटॉन्स गिरा रहे हैं। एक फोटोन, आपको ये तो पता है ना कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे मतलब एनर्जी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो, हाँ तो यहाँ पर देखो बच्चे कि जैसे मान लो कि एक एक फोटोन गिरा रहे हैं, उसका एनर्जी है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी निकालने में, इलेक्ट्रॉन्स निकालने में यूज हो जाएगा और रिमेनिंग जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मान लो कि अभी एक दूसरा फोटॉन्स गिराएं का हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए। फ्रीक्वेंसी बढ़ाए मतलब इनडायरेक्टली क्या बढ़ा दिए हम? एनर्जी बढ़ा दिए। अगर हम एनर्जी बढ़ाएंगे तो अभी क्या होगा, अभी जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चे यहाँ पर क्या सीखा, यहाँ पर हम यही देखे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, बट फोटो करेंट विल रिमेन कांस्टेंट। फोटो करेंट मतलब क्या, ये फोटो करेंट कब बढ़ेगा? सर आपका वॉइस म्यूट हो गया।
हाँ, तो ये मैं बोल रहा था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, फोटो करंट कांस्टेंट रहता है। ये फोटो करंट कब बढ़ेगा, जब यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा ना, तब मेरा फोटो करंट बढ़ेगा। देखो, जब हम 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर हम प्रोटॉन गिरा रहे थे तो भी एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। जब हम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर हम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करती है तो भी एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है? क्या नंबर ऑफ नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं इलेक्टेड नहीं आउट के इंक्रीज नहीं नहीं हो सर, रहा है? क्या इंक्रीज हो रहा है? कि जो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एनर्जी, बढ़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रहा ये है। बात ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बट का फोटो करंट विल रिमेन सेम। ये आखिर यही लिखना है, क्या लिखना, लिख लो यहाँ नीचे, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कॉमा कॉमा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बट द फोटो करेंट विल रिमेन सेम। बट फोटो करेंट विल रिमेन सेम। लिख लिया? हाँ सर, तो आखिर क्या ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से भाई साहब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, फोटो करंट कांस्टेंट रहता है, नीचे लिख लो। फिर दूसरा क्या है, इंटेंसिटी पर थोड़ा काम कर रहे हैं। देखो, पहले सबसे पहले ये ध्यान रखना है, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा। जैसे बारिश वाला एग्जांपल बताए थे, ज्यादा बारिश होगा तो एक गिवन सरफेस एरिया पर ज्यादा पानी का ड्रॉपलेट्स गिरेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता है। यहाँ पर हम लोग क्या फ्रीक्वेंसी को सेम लेके चल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हम कांस्टेंट मान रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पर कोई काम नहीं, फ्रीक्वेंसी से हम रिलेशन कोई नहीं देख रहे हैं, वो कांस्टेंट मान रहे हैं। अभी हम इंटेंसिटी का वेरिएशन देख रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर समझे, ये आपका मेटल्स है, इस मेटल्स का वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यहाँ पर क्या, पहले मान लो कि इंटेंसिटी कम था तो एक ही फोटॉन्स गिर रहा था, जिसका जिसका एनर्जी जो था, फ्रीक्वेंसी जो था, जिसका जो एनर्जी था लेटेड भी उसका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो यहां से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स निकला जिनका काइनेटिक एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेवन था। अभी हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो और फोटॉन गिरेगा। मान लो कि एक और इंटेंसिटी बढ़ाने से पहले एक फोटॉन्स निकल रहा था, अभी दो फोटॉन्स निकल रहा है, तो इसका भी एनर्जी हम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लेते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिनका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सेवन हाँ, इसी तरह और अगर हम फिर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो और ज्यादा फोटॉन्स आएगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है मतलब फोटो करेंट बढ़ता है। अगर फोटो करेंट बढ़ता है बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम। क्या बात समझ में आ रहा है, इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इट। तो ये पहले बना लो फिर लिखा देता हूं।
यहाँ पर ऐसे लिख लेना, क्या देखा सबसे पहले, इंटेंसिटी बढ़ाने से भाई साहब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता है। जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इजेक्टेड आउट भी बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा, फोटो करेंट भी बढ़ेगा, फोटो करेंट भी बढ़ेगा, फोटो फोटो करेंट भी बढ़ेगा, सब चीज में लिखा दिया। बट काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम। इसी तरह एक ग्राफ पूछ लेते हैं, तो ये ग्राफ भी ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, ये आपका काइनेटिक एनर्जी एक्सिस और ये इंटेंसिटी एक्सिस, कैसा ग्राफ होगा बताओ? पैरेलल टू इंटेंसिटी, ऐसा ग्राफ होगा, पैरेलल ग्राफ होगा। आप कितना भी इंटेंसिटी बढ़ाओ, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट फिक्स्ड। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ थोड़ा, कि अगर अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या देखा आपने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ था ना? हाँ सर। अच्छा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो हमको उसको स्टॉप करने पर ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा वोल्टेज लगेगा। तो ये नीचे में लिख लेना नोट में, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी कॉमा स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल्सो गेट्स इंक्रीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल्सो गेट्स इंक्रीज। तो ये क्या, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा। नोट नंबर टू। अच्छा बताओ, इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा बताओ? सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है। तो इस केस में ध्यान रखना, ये ग्राफ ध्यान रखना, क्या ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ ध्यान रखना, इंटेंसिटी क्या होगा, ऐसा होगा। तो चलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इतना ही, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अवर होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो, दैट वन इज बोर्स मॉडल्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला आएगा। तो बोर्स मॉडल्स, तो पहले इसमें ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो बोर्स मॉडल्स है ये सिंपली हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए, इट इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम एंड
हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम्स और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल्स है, बोर्स मॉडल्स है, ये सिर्फ एंड सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। इनका जितना भी फॉर्मूला जाएगा वो सिंपली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एप्लीकेबल होता है। और यह अणु बोल सकते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जैसे आपको पता है एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो ये हाइड्रोजन पर एप्लीकेबल है। अगर हीलियम, हीलियम हम बोल दिए हीलियम प्लस, तो इसके अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन प्लस, हीलियम पर एप्लीकेबल्स नहीं है। हीलियम पर कोई बोलेगा तो हम बोलेंगे बोर्स मॉडल्स एप्लीकेबल्स नहीं, इसके अंदर हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तो एच ई प्लस किए, इलेक्ट्रॉन्स कम किए। इसी तरह अगर लिथियम बोलूंगा, लिथियम टू प्लस, टू प्लस, टू प्लस, बेरिलियम बोलूंगा तो थ्री प्लस, थ्री प्लस, तो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम्स या हाइड्रोजन लाइक एटम्स पर ही एप्लीकेबल्स होता है, और जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो। तो सबसे पहला बात ये ध्यान रखना है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। सर ऐसा क्यों होता है? अब ये, अब ऐसा किस लिए होता है, ये बोर्स भाई साहब जो फॉर्मूला जो भी डिराइव किया वो हाइड्रोजन पर अप्लाई करके देखा तो उसी पर सेट कर रहा था, और हाइड्रोजन लाइक मतलब ये जो हीलियम लिथियम बेरिलियम है ना, उसमें क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाने से क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा आ जाता है, इसलिए उनका जो भी फॉर्मूला डेरिवेशन था वो ओनली हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स पर ही काम कर रहा था। चलो उसके बाद देखो इसका मेन पोस्टुलेट्स देखिए, पोस्टुलेट्स पोस्टुलेट्स एक एक करके लिखते चलिए, और हर एक पोस्टुलेट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखिए सेकंड, पहला पोस्टुलेट लिखिए इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ हैविंग, हैविंग फिक्स्ड रेडियस, हैविंग फिक्स्ड रेडियस, फिक्स्ड रेडियस, दिस पाथ इज कॉल्ड, सर फिर से बोलिए, हाँ फिर से, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ हैविंग फिक्स्ड रेडियस एंड दिस पाथ इज कॉल्ड, एंड दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, और ये हम लोग इसको सेल बुलाया करते हैं, दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट या और ये सेल। जैसे ये जो पोस्टुलेट्स है ना, ये जो पहला पोस्टुलेट्स है, अगर आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स पढ़ा होगा तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स का एक लिमिटेशन था। हाँ सर। तो ये लिमिटेशन क्या था कोई बताएगा मुझे, व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ? सर ये लिमिटेशन था कि अगर वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूरेगा तो वो कंटिन्यूअसली रेडिएशन करेगा तो उसका एनर्जी घटेगा, उसके बाद वो न्यूक्लियस पे पड़ जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाने से एटम्स अनस्टेबल हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। बट ये जो बोर्स भाई साहब थे ये क्या किया ना, ये जो पॉइंट बोल रहे हो ना,
इसी पॉइंट से क्या करते हैं, वो जो आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशंस को हटाते हैं। ये बोला, ये क्या बोले कि एटम्स हमेशा, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है हमेशा एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करेगा, ऐसा नहीं कि वो एनर्जी रेडिएट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, कुछ नहीं करेगा, जो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता रहेगा। जैसे अगर बोर्स एटॉमिक मॉडल्स में देखोगे तो ऐसा होता था, ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव करते करते आया और आया एक बार गिर जाता था, समझ रहा। बट इनका क्या करना है, ये जो एटम्स है ना भाई साहब, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसका रेडियस हमेशा चेंज होता रहता है। एटम्स जब मूव कर रहे हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, उसका एनर्जी भी फिक्स्ड है। हाँ, एनर्जी चेंज होगा जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, तो उसके लिए या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या तो एमिट करेगा। बट अगर वो किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एनर्जी भी कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये जो पोस्टलेट्स है, दिस पोस्टलेट्स इराडिकेट द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिए फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, फॉर इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, फॉर इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कॉमा कॉमा द सेंट्रीपिटल फोर्स, द सेंट्रीपिटल, द सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज प्रोवाइडेड, इज प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड बाय, प्रोवाइडेड बाय, इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। फिर से सर एक बार। हाँ फिर से, फॉर इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, फॉर इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कॉमा द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज प्रोवाइडेड बाई, इज प्रोवाइडेड बाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। लिख लिया? हाँ सर। अब इसको समझो, ऐसा है देखो, ये न्यूक्लियस है और ये मान लो कि इस ऑर्बिट में ये आर रेडियस पर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा तो ये फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव नहीं कर पाएगा। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड दिस मूविंग इलेक्ट्रॉन। आपको पता है न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर निगेटिवली चार्ज है। तो इन दोनों अपोजिट चार्ज के बीच क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हेल्प्स टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सर्कुलर पाथ, हेल्प्स टू मेंटेन द सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? हाँ, तो ये सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना, कैसे निकालते हैं? फिजिक्स में पढ़ते होंगे, अगर मान लो इस इलेक्ट्रॉन का मास, हाँ मास m है, सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल रहा हूँ, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरह से निकाला जाता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स निकला,
इसी तरह से ये भी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 है और r डिस्टेंस पर है, तो इसके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है फिजिक्स में पढ़ते हो। तो यहाँ पर भी देखो दो चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरा चार्ज पार्टिकल्स क्या है, प्रोटॉन्स। अब ये जानते हो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, जेट प्रोटॉन्स होंगे। कोई भी जैसे एटम्स है ना, एटम्स है मान लो कि सोडियम है, सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास नंबर 23 होता है। तो अगर पूछूं कि सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन्स है तो बोलोगे 11 प्रोटॉन्स। तो इस एटम्स के अंदर जेट प्रोटॉन्स है और एक प्रोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है ना चार्ज, आपने पढ़ा होगा दैट इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दैट इज -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स। और प्रोटॉन का चार्ज भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है। तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जेड ई, जेड प्रोटॉन था और एक प्रोटॉन पर चार्ज ई होता है इसलिए जेड प्रोटॉन पर जेड ई होता है, ठीक। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, यही समझे हम कि फॉर इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट क्या होना चाहिए, ये सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होना चाहिए। तो यहां से ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स तो हम mv स्क्वायर अपॉन r से निकालते हैं और ये तो निकाला के एक चार्ज पार्टिकल ze है, दूसरा चार्ज पार्टिकल E है अपॉन R स्क्वायर। तो ये फाइनली ध्यान रखिएगा mv स्क्वायर अपॉन R दैट इज के जेड ई स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये फाइनली आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सब जो लिख रहा हूं रिजल्ट्स ये सब आपको आगे डेरिवेशंस में यूज होगा जब हम रेडियस ऑफ nth बोस और क्या जेड क्या लिखे सर, जेड एटॉमिक नंबर है, ये जेड है ना, ये जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन या हम लोग बोल सकते हैं इसको एटॉमिक नंबर। हाँ हाँ किनसे डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना, म्यूट करें। जैसे अगर हीलियम के लिए जेट का वैल्यू पूछूं तो कितना होगा, टू हो जाएगा। तो इसी तरह देखना पड़ेगा, लिथियम दिया रहेगा तो जेट का वैल्यू 3 ले लेना, 3 तो सो चलो। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट, लिखो दो पॉइंट लिख लिए, तीसरा पॉइंट लिखिए लिखिए electrons revolving in those orbit, electrons are revolving in those orbit whose angular momentum sir, हाँ, electrons are revolving in those orbit, electrons are revolving in those orbit, comma, whose angular momentum is integral multiple of, integral multiple of h upon 2 pi, whose angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi.
whose angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? एम बी आर। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट्स ये यही समझाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कि कोई भी ऑर्बिट में मूव कर जाएगा, उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई होगा। ये एन क्या है? एन को हम लोग बोलेंगे सेल या ऑर्बिट। और n का वैल्यू क्या, 1, 2, 3 यही सब होगा, इंटीजर होगा, ऐसा नहीं कि 0.5 हो जाए, वो हमेशा एक इंटीजर होगा। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होगा। अच्छा मान लो कि ऐसा दिया हुआ है कि एम बी आर इज इक्वल टू 0.5 एच अपॉन पाई, तो क्या बताओ कि इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट, यहाँ सर एच का मतलब एच प्लैंक्स कांस्टेंट, वो प्लैंक्स कांस्टेंट जो पढ़ा था ना वही है यहाँ पर। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि बताओ अगर ऐसा दिया हुआ है और आपसे पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, के ऑर्बिट में, सर बोल नहीं पाएंगे। हाँ बोल ही नहीं पाएंगे। हाँ सर n का मान 1 होगा या 2 होगा। हाँ n का मान 1 होगा, अगर 1 होगा। और क्या बोला, n का मान क्या होगा? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 होगा तभी ना सर। रुको, अगर 2 हो जाता है, ये 2 हो जाता है तो ये क्या करना पड़ेगा, ये 2 upon 2 ये कहाँ हो जाएगा बच्चे? मैं क्या बोला, 0.5 होगा तो 1 होगा ना, n = 1 होगा ना। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना कि इससे आपको ये पता चला कि फर्स्ट ऑर्बिट में वो मूव करेगा। हाँ, तो 1, 2, 3 क्यों बोल रहा है, 1 होगा ऐसा दिया था ना, k ऑर्बिट में। हाँ k ऑर्बिट एक ही बात है बच्चे, h अपॉन पाई दिया था। अच्छा नीचे नहीं देखा, चलो। हाँ तो ये क्या किया था ना, 1 upon 2 0.5 होता है, इसे 0.5 कर दिया। तो ये चीज ये देकर पूछ सकता है कि बताओ ये इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा। चलो तो ये हो गया, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ए ऑर्बिट और सेल कॉमा it neither lose or gain energy, it neither lose or gain energy, it neither lose or gain energy and that orbit is called स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ये ध्यान रखना कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है वो ना तो एनर्जी लूज करेगा ना तो एनर्जी गेन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये तो पॉइंट समझ में आ गया ना?
हाँ सर, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखना। हाँ बोलो सर, जब तक सर एनर्जी लॉस या गेन नहीं करेगा तब तक सर मतलब ऑर्बिट चेंज कैसे करेगा सर? अरे यार, तो पहले तो ये तो समझिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एनर्जी फिक्स है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है ना वो नेक्स्ट पॉइंट है, जब कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। बट अगर किसी ऑर्बिट में देखो, जब अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ये ना तो एनर्जी लूज करेगा या गेन करेगा, इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा ये। बट अगर मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन का मन कर गया कि चलो हम दूसरे ऑर्बिट में घूमना चाहते हैं, तो उसके लिए एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो एमिट करेगा। समझ रहा है ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम one orbit to another orbit, it either lose or gain energy. जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या तो एमिट करेगा, लूज करेगा। यहां पर ध्यान रख ले रखना, इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी ऑर्बिट, ऐसे लिखना, लोअर एनर्जी ऑर्बिट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर, ये इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी ऑर्बिट में जा रहा है, हायर एनर्जी ऑर्बिट में जा रहा है, लोअर एनर्जी, हाँ तो क्या करेगा, ये गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन विल गेन एनर्जी, लोअर एनर्जी ऑर्बिट से अगर हायर एनर्जी ऑर्बिट में इसको जाना है इसका लोअर एनर्जी है और ये N2 जो है ना भाई साहब ये हायर एनर्जी है। अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से उठकर यहां जाना है तो इसके लिए क्या करेगा, ये एनर्जी चाहिए, इसको फोटोन चाहिए। समझा, ये इसको फोटोन चाहिए, फोटोन फोटोन गेन करेगा, फोटोन उसको एनर्जी देगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेकर हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। मतलब इस फोटोन का, इस फोटोन से एनर्जी मिला इसको, इस फोटोन का अपना कुछ वेवलेंथ होगा, उसको बोल देता हूं वेवलेंथ एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब बोल देता हूं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, ये चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी इन दिस टू ऑर्बिट, ये कैसे निकालेंगे, ये कितना है, चेंज इन एनर्जी कैसे निकालेंगे, दैट इज एस सी अपॉन ये जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, दैट विल बी इक्वल टू क्या, दैट विल बी इक्वल टू क्या, ई एन टू माइनस एन वन, ऐसे ऐसे थोड़ा सा, हाँ ई एन टू, इसको थोड़ा वैसे डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू, ये क्या होता है, ई एन टू माइनस ई एन वन दैट इज इक्वल टू क्या, एफ सी अपॉन वेवलेंथ एब्जॉर्ब, लिख लो ये, ध्यान रखना। अगर उसको लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाना है तो उसके लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, और कितना फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, जब तक उसका एनर्जी इन दोनों एनर्जी सेल के बराबर ना आ जाए,
मतलब मान लो कि इसका इस एनर्जी लेवल का ये जो एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल है ना ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ऊपर वाला कितना इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चाहिए तभी ये यहां से यहां जंप मारेगा। वही चीज मैं लिखने चाह रहा हूं ये क्या इसमें इसको समझने में किसी को दिक्कत है? नहीं सर। हाँ अब अगला पॉइंट क्या होगा अगर वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा तो क्या होगा? तो एनर्जी लूज करेगा। हाँ एनर्जी लूज करेगा। अभी लूज गेन आसानी से हो रहा है बट वही 4 क्लास के बाद उल्टा हो जाएगा इसलिए लिखना जरूरी है ये अगर अगर आपका हायर एनर्जी ऑर्बिट से क्या आप लोग को हमेशा याद रहता है हाँ सर हमेशा याद रहता है। अच्छा ये हमेशा याद आता है बहुत अच्छा। हायर एनर्जी ऑर्बिट से अगर लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स लिख दो अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स। कैसे एनर्जी रिलीज करेगा? फोटोन छोड़कर करेगा। ये एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब कर रहा था? फोटोन को लेकर कर रहा था। अभी यहां पर कर देता हूं ये आपका N2 और ये N1 है ये हायर एनर्जी ऑर्बिट है और ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है तो अभी इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट आ रहा है तो इसके लिए क्या करेगा? ये कुछ फोटोन रिलीज करेगा ये कुछ फोटोन इमिट करेगा फोटोन इमिट करेगा मतलब इस फोटोन का कुछ ना कुछ अपना वेवलेंथ होगा तो यहां पर लिख सकता हूं चेंज इन एनर्जी दैट इज इक्वल टू EN2 माइनस EN1 दैट इज इक्वल टू SC अपॉन जो वेवलेंथ इमिट करेगा इसमें। सर एक क्वेश्चन है कि सर ये जो लैम्डा है सर वेवलेंथ वो सर किसका हाँ। लेंगे सर किसका लेंगे? फोटोन का लेंगे जो फोटोन गिरेगा उसका लेगा। अच्छा फोटोन जो गिर रहा है ना उसी का वेवलेंथ देंगे। सर हाँ बोलो सर ये इलेक्ट्रॉन जब वो एनर्जी एमिट करेगा तो एक ही फोटोन से करेगा? नहीं नहीं वो हो सकता है 10 फोटोन करे 15 फोटोन करे एक ही साथ वो दो तीन कर सकता है वो हाँ क्यों नहीं कर सकता है? ऐसा समझो ऐसा उतना उलझो मत। वो मान लो कि एक ही फोटोन एमिट किया बट उसका एनर्जी ज्यादा होगा ऐसे 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 समझो ऐसे जैसे मान लो इसका N2 का एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ठीक इसका एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तो इस इलेक्ट्रॉन को 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इमिट करेगा। मान लो कि ये एक ही फोटोन इमिट कर रहा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो गया ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से धराम से नीचे गिर जाएगा तो हाँ ये एक ही फोटोन वो इमिट करेगा एक ही फोटोन इमिट किया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसलिए ऊपर से नीचे आ गया। तो क्वेश्चंस करेंगे अभी इतना समझ में आ रहा ना कि ऊपर से नीचे गिरेगा तो कैसे इक्वेशन लिखेंगे वगैरह वगैरह। हाँ हाँ चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये सब कुछ पोस्टलेट्स है आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद लिखो फॉर्मूला रिलेटेड टू बोर्स मॉडल्स, फॉर्मूला रिलेटेड टू बोर्स मॉडल्स। फॉर्मूला रिलेटेड टू बोर्स मॉडल्स, पहला लिखना, पहला लिखिएगा रेडियस ऑफ, हम रेडियस ऑफ एनथ बोर्स ऑर्बिट निकालना चाहते हैं। तो हम इसका दो पोस्टलेट्स पढ़े थे, पहला पोस्टलेट्स पढ़े थे एमबी स्क्वायर R इज इक्वल टू के जे डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, पहला पोस्टलेट यही पढ़े थे। दूसरा पोस्टलेट हम पढ़े थे दैट वाज द एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। तो यहां से क्या करेंगे पता है, हमको रेडियस निकालना है ना, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, v का वैल्यू उठाएंगे और इसमें पुट कर देंगे। एक आर तो कैंसिल कर दो, यहां से वी का वैल्यू निकालो क्या जाएगा, एन एच अपॉन एम आर टू पाई। अब ये क्या करेंगे, ये वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा एम, ये आर को इधर लेकर चला रही है, एक ही बार कर रहा हूं, आर को इधर लेकर चले आए, एम बी स्क्वायर नीचे एम v स्क्वायर मतलब क्या, n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये वाला क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। पहले ये लिख देता हूं दैट इज k z e स्क्वायर, और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा दैट इज m स्क्वायर r स्क्वायर r स्क्वायर। अच्छा उल्टा फिर तो वही हो जाएगा, रुक जा। चलो तो ये यहाँ पर पहले लिखता हूँ एम बी, वी का वैल्यू लिख देता हूँ दैट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। यहां से देखो एक आर कैंसिल हो जाए, ये R को इधर लेकर जा रहे हैं, इसको इधर लेकर आ रहे हैं, तो लिख सकता हूं R इज इक्वल टू, ये R को इधर लेकर जा रहे हैं, इसको इधर लेकर आ रहे हैं, ये M से M भी कैंसल हो जाएगा, ये क्या आ गया H स्क्वायर अपॉन M M या तो उधर चला गया फोर पाई स्क्वायर K E स्क्वायर और यहां पर n स्क्वायर अपॉन z आ गया। इतना कैसे समझ में आ रहा है ना, r इज इक्वल टू इतना आएगा। हाँ अब क्या हो गया ना, ये सब जो है ना सब कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k फिजिक्स में उसका वैल्यू पढ़ते हुए फिजिक्स में कुछ वैल्यू होता है उसका, इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सबका जब वैल्यू रखेंगे ना तो वो वैल्यू याद रखना, ये सबका वैल्यू रखोगे तो कितना आता है बताओ, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एन स्ट्रॉन्ग, ये फाइनली ध्यान रखना है आपको, 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम।
यहाँ पर क्या देखा आपने, ये क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा, ये जो रेडियस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल, और जेड के कैसे इनवर्सली रिलेटेड है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है, अगर किसी दो रेडियस को कंपेयर करना है तो क्या होगा, एन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जेड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको लिख सकता हूं एन वन स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर इंटू जेड टू अपॉन जेड वन, तो ये भी क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा आपको। उसके बाद ध्यान रखना, अगर मैं फोर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करूं, इसका इसका बोलने का मतलब समझते हो कि n का वैल्यू वन है और z का वैल्यू भी वन है, इसकी बात करूं तो ये जो होता है ना आर नोट आता है, इसको आर नोट इज इक्वल टू कितना आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, और इसी 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 आर नोट को हम बोर्स रेडियस बोलते हैं। क्या? बोर्स रेडियस बोलते हैं। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ बताता हूं, हम लोग जानते हैं क्या, आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड डालते हैं। अगर हम आपसे ग्राफ पूछ दें आर एन वर्सेस, अगर एन ग्राफ पूछ दे तो क्या होगा, पैराबोलिक, तो ये क्या होगा, पैराबोलिक होगा, ऐसा पैराबोलिक होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या देखो ये आर एन है दैट इज इक्वल टू 0.529 और जेड ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और क्या है एन का स्क्वायर है ये ऐसा कुछ, तो ये क्या हो गया वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ हो गया। बट यही ग्राफ अगर मैं बच्चे ऐसा पूछ दू आर एन वर्सेस एन स्क्वायर अगर ग्राफ पूछ दूं तो क्या होगा बताओ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन्स। ये वाई है, ये एम है और ये एक्स है। अगर इसी तरह हम ग्राफ पूछ दें आपसे आर एन वर्सेस जेड ग्राफ पूछ दें तो क्या होगा बताओ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिल्कुल बिल्कुल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे आपको पता होगा पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ का ग्राफ ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, पी वर्सेस वी ग्राफ, तो इसी तरह ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा आर एन इंटू जेड दट इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट है, ये क्या है कॉन्स्टेंट है, तो क्या होगा एक्स और ये वाई और ये कॉन्स्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है,
इसी तरह अगर अगला ग्राफ पूछ दे आपसे कि आर एन वर्सेस वन अपॉन जेड कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आर एन है, ये 0.529 है और ये एन स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है और ये वन अपॉन जेड है, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स हो गया ऐसा। चलो बना लो जल्दी सा। अगर ये हो गया तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चंस। लिखिए रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बोर्स एटम, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट बोर्स एटम्स इज कैपिटल आर, देन कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ एची प्लस आयंस। सर एक बार फिर से क्वेश्चन बताएंगे। हाँ, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बोर्स एटम इज कैपिटल आर। देन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ एची प्लस आयंस। Then calculate the radius of third orbit of He plus ions. Bohr's atom किसको बोलते हैं? Hydrogen atoms को ही Bohr's atoms बोलते हैं। नाइन आर बाई एट गलत है। तो ये बन गया होगा ऑलमोस्ट सबसे इजी क्वेश्चन था। 9R/8। हाँ 9R/8, जिनसे नहीं बना वो देख लीजिए।
क्या आप लोग रिडॉक्स रिएक्शंस का क्वेश्चंस बना रहे हो? हाँ सर। चलो तो देखो यहाँ पर क्वेश्चंस बोल रहा था, एक आपका बोर्स एटम था और एक आपका दूसरा क्या था, एच ई प्लस आयन था। इसके लिए जेड वन का वैल्यू जो होता है वन होता है, इसको हम जेड टू मान लिए, इसका जेड टू का वैल्यू कितना होता है, टू होता है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एन वन का वैल्यू क्या दिया था, आई थिंक सो सेकेंड ऑर्बिट कुछ ऐसा बोल, और एन टू का वैल्यू कितना दिया था, निकालना था थर्ड ऑर्बिट। इसका इसके रेडियस को आर वन जो कि आर दिया था, और इसको इसके इसके आर टू का वैल्यू हमको निकालना था, ये पूछा था। मतलब इसको हम वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम जानते हैं आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू एन वन स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर इंटू जेड टू अपॉन जेड वन, ये जानते हैं। आर वन का वैल्यू तो कैपिटल आ रहा है, आर टू आपको निकालना है, एन वन, एन वन का वैल्यू देखो टू फोर, और एन टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, नाइन नाइन। जेड टू का वैल्यू कितना है दिया हुआ, टू और ये वन, तो कितना जाएगा ये आर टू, दैट इज नाइन आर बाई एट, नाइन आर बाई एट। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ एच ई प्लस आयन, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ एच ई प्लस आयन, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ एच ई प्लस आयन निकालो। बिल्कुल सही है, सही है। चलो देखो क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, एच ई प्लस आयन था बच्चे, एच ई प्लस आयन मतलब इसके लिए जेड का वैल्यू कितना होता है, टू होता है। एक आर थ्री था, थर्ड ऑर्बिट अगर निकालना चाहते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, और ये फोर्थ ऑर्बिट है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यही, ये n इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू टू, n इज इक्वल टू थ्री, और ये n इज इक्वल टू फोर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये क्या पूछा गया था कि पहले हम क्या करेंगे, आर फोर निकाल लेंगे, आर फोर, और साइमल्टेनियसली हम क्या निकाल लेंगे, आर थ्री निकाल लेंगे। ये क्या है, आर फोर है, और ये आर थ्री निकाल लेंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या, R4 फोर माइनस आर थ्री, दैट इज यही आपको क्वेश्चन में तो यही पूछा गया है ना, R4 फोर। हाँ हाँ, क्या क्या बोलो बोलो जल्दी, आंसर कितना है सर? आंसर बोला ना, 3.5 × 0.529। तो देखो ये 0.529 n स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब 9, एन स्क्वायर थ्री का स्क्वायर 9, जेड का वैल्यू 2, और इसी तरह अगर इतना एंगस्ट्रॉम, इसी तरह अगर आर फोर निकालेंगे तो 0.529 एन स्क्वायर 16 अपॉन
टू एंगस्ट्रॉम। और क्वेश्चंस में आपसे आर फोर माइनस आर थ्री का वैल्यू पूछा है तो 0.529 तो कॉमन है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/2 माइनस 9/2 इतना एंगस्ट्रॉम। तो ये 0.529 ये दोनों में माइनस करेगा तो 7 मतलब 3.5 आ जाएगा इतना एंगस्ट्रॉम, ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लिख लो उसको घर में बनाना, व्हाट वुड बी द, लिखो जल्दी व्हाट वुड बी द, व्हाट वुड बी द, व्हाट वुड बी द और बी एटॉमिक नंबर, व्हाट वुड बी द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट सच दैट, सच दैट, व्हाट वुड बी द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट सच दैट इट्स इट्स फोर्थ ऑर्बिट, इट्स फोर्थ ऑर्बिट, इट्स फोर्थ ऑर्बिट वुड वुड फिट इनटू फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एक बार सर फिर से बोलिए, व्हाट वुड बी द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट सच दैट इट्स फोर्थ ऑर्बिट वुड फिट इनटू फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसको घर में बनाना, घर में बनाना और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन। बेरिलियम होगा,